राम मंदिर बनने के बाद भाई पाकिस्तानी जिहादी ऐसे बोल रहे हैं भाई, देख के सुन के आप चौंक जाएंगे भाई। पाकिस्तानी जिहादी में इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऐसे तमाम तरह के ऐसे बयानबाजी करते हैं और इतना भड़काऊ बयान देते हैं भाई, उनका बयान सुन के आप चौंक जाएंगे कि राम मंदिर के ऊपर ऐसे कैसे बोल सकते हैं। लेकिन उससे पहले दुबई शेख का भी बयान आया है। दुबई शेख ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है जो आपको देखनी और सुननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन कि पाकिस्तानी इस मुद्दे पर क्या बोलते हैं राम मंदिर के ऊपर। पहले आप देखिए उनका रिएक्शन क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। हम तो कहेंगे कि भाई उन्होंने जो हमारे साथ किया हम भी करेंगे उनके साथ। ये तो हमारा क्या करेंगे, काम भी कहेंगे कभी उनके गिराओ इधर मंदिर, एहतजाज करेंगे। एहतजाज कैसे करेंगे? इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और करते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है। हम इंशाल्लाह एहतजाज करते रहेंगे जी। ए थप्पड़ का बदला थप्पड़ ही है, मैं आपको बात कर रहा हूँ। ये सोचिए में रख लीजिएगा, हमारा सुद्दीन कहता है को कोई आपको आके दिखाए उसको उंगली दिखाओ। मैं जिहाद किस लिए है? जिहाद करो, मारो उनको जो आपके आपका कोई घर गिरा दे। तो आप खामोश रहेंगी कि नहीं जी हम बड़े अच्छे हैं, हमारा घर गिरा दिया, हमने इनका घर नहीं गिराना। तहकीक की ये की वो की, मस्जिद थी बाबरी मस्जिद थी, उसको शहीद किया गया, मंदिर बना दिया गया, तो इसका हम इत्तेजाज करेंगे। हम मैं अभी भी पहले भी मैंने कहा है, अब भी मैं कहूँगा कि उनके भी इधर मंदिर गिराएं। कि बाबरी मस्जिद को उन्होंने शहीद किया, सारा कुछ किया, मामला जो भी था, अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले मंदिर था उस पर मस्मार किया, ये तो सारी उनकी सो कॉल्ड फासिज्म है। वहाँ से ये शवाहिद मिले हैं कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था, जब बाबर की हुकूमत आई थी तो उन्होंने मंदिर को डिमोलिश करके वहाँ पर मस्जिद बनाई थी। तो देखें तो इफ्तिताह ही जो थी वो गलत तरीके से हुई। ये तो वही बात होगी ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो आपने बात की है ना कि उन्होंने लाख से जो है उसकी जगह दे दी मस्जिद की। देखिए इस तरह होता नहीं है। अब किसी का कोई एक बाप है ना, आप उसे वो उसका बाप लेके वो उसको ये नहीं कह सकते कि वो दूसरे को जाके अपना बाप कह दे, उसको जाके अपनी माँ कह दे। बाप और माँ एक ही होती है। इसी तरह जो है वो जिसने उन्होंने मुसलमानों के एहसास को ठेस पहुँचाई है, उसका बदला होगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन। आप ये देखें ना कि उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है। उनका कहना है कि जो हमारे भगवान राम है ये उनकी जन्म भूमि है, ये उनकी बर्थ प्लेस है, और तो हमारे लिए जिस तरह मक्का मदीना है बिल्कुल उनके लिए भी राम मंदिर इसी तरह था। और दूसरी बात जो आपने की कि जी वो कहते हैं कि वहाँ पे उनकी जन्मभूमि थी, ये सारी उनकी बकवासियात हैं। सीधी हमारी मस्जिदों को मस्मार कर रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, और वहाँ पे आप कह रहे हैं कि इस तरह हो गया वो हो गया। वो रेडियो को भी वो कहते हैं कि जी ये राम मंदिर था, भगवान का टूटा हुआ मन का था, उनकी सोच इस तरह की है। नहीं जी, सबसे पहली बात तो यही है कि ये इशू जब शुरू हुआ था ना, ये उसी वक्त इसको दबा देना चाहिए था। देखिए ना, एक जगह पे मस्जिद है, मस्जिद को अगर आप काट के मंदिर बना रहे हैं, हर धर्म जो होता है ना उसकी एक अपनी अपनी मर्यादा होती है। ठीक है वो हिंदू हैं, सब हैं, सारे इकट्ठे रह रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हर एक के जो है ना वो इस्लाम को धर्म को जो है ना वो इज्जत देनी चाहिए। एक जगह पे मस्जिद बनी हुई है उसको हटा के अगर आप मंदिर बना रहे हैं, फिर उसके बाद आप ओआईसी उसका इफ्तिताह कर दिया है, अगर तो वो मजम्मत कर रहे हैं तो मजम्मत का वक्त तो है नहीं, क्योंकि वही बात आपने बहुत प्यारी बात की है कि वो उसका इफ्तिताह हो गया, वो उन्होंने कर दिया है। लेकिन ये बहरहाल मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ, ये गलत है। अभी मजम्मत का टाइम नहीं है, अभी तो इनिशिएटिव लेने का टाइम है। ये तो गलत बात है ना, ये एक मस्जिद को हटा कर मंदिर बनाया जाए, मुसलमान तो ये पसंद ही ना करेंगे। सर ये सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, हाँ। अमली तौर पर कुछ करते नहीं है। बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, अब राम मंदिर बन गया वहाँ पे। अच्छा। यानी उस वक्त अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ और अभी राम मंदिर बन गया, बस ये तनकीद करेंगे बस। हम ये मतलब मुस्लिम का ये कंसेप्ट है कि भाई वहाँ पे 500 साल से ये मस्जिद बाबरी मस्जिद थी, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं, ये जो हिंदू लोग हैं वो ये कहते हैं कई हज़ार साल से वहाँ पे राम मंदिर था, यानी कि जो उनके भगवान राम हैं उनकी वहाँ पे वो मौजूद थे। फिर तो ये इंडिया का राइट बनता है और हिंदुओं का राइट बनता है कि उनको जगह दी जाए। ठीक है, हक बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम डर कर या अवाम में इस तरह की बातें करने से अगर हमें कुछ खतरा है, तो ऐसी बात नहीं है। आपने देखा कैसे जो है पाकिस्तान बोल रहा है कि राम मंदिर में ऐसा नहीं होना चाहिए, राम मंदिर को वैसा नहीं होना चाहिए, भाई तमाम तरह की बातें करते हैं पाकिस्तानी। आपको वीडियो देख के कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। अब चलते चलते दुबई दुबई से का बयान सुनते हैं। दुबई से गुस्से में ऐसी कौन सी बात बोल दी है जो आपको देखनी और सुनी बहुत जरूरी है। तो पहले आप दुबई से का बयान सुनिए क्या बोलते हैं दुबई से। मेरे प्यारे भाई लोग, लेकिन ये मैसेज है मेरे प्यारे बहन लोग के लिए जो डरती लोग है, वो जो डरता है, हम बताएगा क्या हो गया मेरे साथ। हम एक जगह में काम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मिक्स है, यानी नहीं जस्ट लोकल लोग है, सब जगह लोग जैसा है। लेकिन हम जब हमारा ऑफिस में हम गया, हम देखा एक लड़की फिलिपिनो, इसका फेस जैसा हर दिन नहीं है, बदली हुआ है और डर रहा है। तो हम बोला उसको क्या हो गया मेरा बहन, क्या हो गया आपके साथ।
बोलते हैं मेरा मोहल्ला में हम कभी भी नीचे जाएगा, या लोग लड़का लोग आते सीटी बजाते हैं, या लोग हमारा नजदीक आता है, कुछ कुछ ऐसा बोलता है। हम बोला फिर तुम क्यों जवाब नहीं देते, बोलते हम डरता है। हम बोला अगर तुम डर गया समझो मर गया। तो इसलिए मेरे प्यारे बहन लोग हम उसको सिखाया एक चीज, हम बोला कोई भी तुम्हारा पास आएगा, तुम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, तुम इमारात में और डरता है। आपने देखा दुबई शरीफ कैसे बयान दिया है भाई, दुबई शरीफ जो है हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं और हमेशा लेबर के लिए ही बोलते हैं। तो प्लीज दुबई शरीफ के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।